आदाब, ये प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर। कर्नाटका के शहर बेलगावी से है। आज बेलगावी में कित्तूर चन्नम्मा सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक एक जुलूस निकाला गया, प्रोटेस्ट किया गया, जो जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट बीजेपी वालों ने जो इस वक्त सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ एक साजिश रची हुई है, इस साजिश को उन्होंने जिस तरह से बताने की कोशिश की है कि सिद्धरामैया एक ऐसे जमीन घोटाले के शिकार हो सकते हैं, मगर सिद्धरामैया ने उन्हें एयरपोर्ट पर बेलगावी के ही चैलेंज किया कि हम जब शोकेस नोटिस आएगा हम लीगली और पॉलिटिकली इनका मुकाबला करेंगे और उनको जवाब देंगे। हमें कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल क्लियर है और कोई हमारे से गलती नहीं हो सकी है। इसी बात को लेकर बेलगावी नॉर्थ के मशहूर एमएलए जनाब राजू सेठ साहब इस प्रोटेस्ट में शामिल रहे और इन्होंने भी बड़े जोश भरे अंदाज में कहा कि सिद्धरामैया पर जिस तरह से ब्लेम लगाने की कोशिश की है, इनका मकसद यही है कि सिद्धरामैया की आवाज़ जो है एकदम क्लियर है, बोल्ड है, वो किसी का भेदभाव किए बगैर सच्चाई को जाहिर करते हैं, सच्चाई को बताते हैं, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। अगर इनके खिलाफ ऐसी कोई भी मसला आएगा तो हम बेलगाम से लेकर बेंगलुरु तक और कर्नाटका के कई तमाम रियासतों में तमाम ज़िलों में जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे और सच्चाई को उजागर करके ही रहेंगे। आइए देखते हैं जनाब राजू सेठ साहब ने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया और लोगों की राय क्या थी। सर, इस वक्त कल सिद्धरामैया ने एयरपोर्ट में कहा वी आर फाइट विथ लीगली एंड पॉलिटिकली, तो इसके बारे में अभी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा सर? अगर राज्यपाल अपनी कुर्सी गलत तरीके से यूज करते हैं, केंद्रीय सरकार अपनी ताकत गलत तरीके से यूज करते हैं, तो कर्नाटक का राज्य के जो भी लोग हैं, जो भी जनता है, इसको स्वीकार नहीं करेगी, रास्ते पे आएंगे और यहाँ से हम बेलगाम से बेंगलोर तक राजभवन तक चलते जाएंगे, गुलबर्गा से राजभवन तक लोग चलते जाएंगे, बल्लारी से चलते जाएंगे, हर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ से कांग्रेस के लोग और आम जनता है वो चलते जाएगी, क्योंकि एक झूठ हम लोग थक चुके हैं और बस हो चुका है। क्या सिद्धरामैया को सीएम से हटाने की साजिश है सर? ये सिद्धरामैया साहब एक एबल लीडर है जो मुंह पे जवाब देते हैं, उसके लिए उनको डिस्टेबलाइज करने की और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, लेकिन हम पूरे 136 एमएलए मिनिस्टर्स मिला के हम एक हैं उनके पीछे, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ में रहेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। ओके सर, थैंक यू। कहाँ है महिलाओं? बोलिए बोलिए। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಾವು ಹೂ ಅಂತ ಉಗುಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಲಿನಂತ ಬಡ ಮಂದಿಗೆ ಬಡವರ ಜನರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಡವರನ್ನ ಬಗ್ಗ ಬಡಿಯೋಸಲವಾಗಿ ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೇ ತೀರ್ತೇವೆ. खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।